आज हम लोग कोरल ड्रा के अंदर टेक्स्ट टूल लास्ट में हम लोगों ने खत्म किया, ठीक है। और टेक्स्ट टूल के बाद अब हम लोग अपने वापस टूल्स की तरफ जो है वो देखते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये जो लाइंस टूल थे ये कर लिए थे। इसके बाद हमारा एक टूल है ये रेक्टेंगल टूल, ठीक है। मैंने इसको ड्रा किया और इस रेक्टेंगल टूल की तीन डिफरेंट टाइप्स हैं। मिसाल तौर पे एक रेक्टेंगल मैंने ड्रा कर लिया, मैं इसी की कॉपी बना लेता हूं। ये मैंने कुछ इसकी कॉपीज बना ली। कॉपीज बनाने के बाद सेम ऑब्जेक्ट जो है ये देखो, मैंने किसकी एक और कॉपी बना ली और एक और कॉपी बना ली। अब पहला मेरा उसी तरह रेक्टेंगल है। इसके बाद आप शेप टूल पे, आपने कंट्रोल क्यू प्रेस नहीं करना, शेप टूल पे जाना है और यहां से आप इसकी टाइप सिलेक्ट करोगे। ये देखो राउंडेड है पहला। इसके बाद जो है वो स्क्रोल लेफ्ट है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो। इसी तरह से लास्ट वाला जो है वो चैम्फर्ड है, अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इस तरह। तो ये चार डिफरेंट टाइप के जो मेरे पास रेक्टेंगल्स हैं ये आप बना सकते हो। आगे जिस तरह मर्जी आप चाहो इसको स्क्यू करो, रोटेट करो। मिसाल तौर पर अगर यही ऑब्जेक्ट मैं लेता हूं, अब मैं इसको रोटेट करता हूं इसी लोकेशन के ऊपर, ये देखो। तो अब यहीं पे कंट्रोल डी कर लो, वो अब आपकी मर्जी है। आप जो डिजाइन इसका बनाना चाह रहे हैं ये देखो, उसी लेवल पे इसका एक डिजाइन जो है वो क्रिएट हो गया। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप अपने इस रेक्टेंगल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट टूल हमारे पास पड़ा है एलिप्स टूल। आप इसको दूसरे, बल्कि इसी में एक और भी पड़ा हुआ है, थ्री पॉइंट रेक्टेंगल टूल। लेकिन ज्यादातर जो हम लोग रेक्टेंगल को ही डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, थ्री पॉइंट को कम ही करते हैं। ये देखो थ्री पॉइंट में क्या है, पहले पे आपने क्लिक किया, दूसरे पे ड्रा किया और तीसरे पे आपने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। ये देखो क्लिक ड्रा और ये एक्सपेंड, जितना आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल की प्रेस करके करोगे तो ये इक्वली होगा। ये देखो मैंने आप कंट्रोल की प्रेस किया हुआ, जिस तरह मैंने ये बनाया, मैंने कंट्रोल की प्रेस की, क्लिक किया और ये ड्रा, ये मैंने यहां पे ड्रा किया। ड्रा करने के बाद जैसे मैं इसको रिलीज करता हूं तो ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा, ये देखो। अब आप उसी तरह से इसकी कॉपी जो है वो क्रिएट कर सकते हो इसी लोकेशन के ऊपर, ये देखो। मैंने अब इसको छोटा किया, अब मेरी मर्जी मैं इस लोकेशन पे इसकी कॉपी जनरेट कर लूं, कंट्रोल डी यही पे आप करते हो। अब आप इसको उठाओ और इस तरह से इसकी कॉपी जो है वो क्रिएट कर सकते हो, या इसको यहां पे आप मजीद जो है वो रेडी कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हो। सेम नेक्स्ट टूल है हमारे पास एलिप्स टूल, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में सर्कल भी जानते हो। इसकी भी तीन डिफरेंट टाइप्स है। ये देखिए मैंने कंट्रोल से जब ड्रा किया तो ये इक्वल ड्रा हुआ। मैं इसकी मजीद दो कॉपीज कर लेता हूं, ये मैंने दो कॉपीज की, एक को मैंने सिलेक्ट किया और यहां से मैंने सिलेक्ट कर लिया पाई। ये देखिए मैंने पाई किया तो वो पाई हो गया। अब ये शेप टूल की मदद से आप इस पाई की वैल्यू जो आप बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। इसी तरह से मैंने तीसरे को सिलेक्ट किया आर्क, मैंने क्लिक किया तो इसका आर्क है और इसकी भी जो वैल्यू आप बनाना चाह रहे हो वो आप बना सकते हो। नेक्स्ट इसी में टूल पड़ा हुआ है थ्री पॉइंट एलिप्स टूल। नेक्स्ट क्या है, थ्री पॉइंट, क्लिक ड्रा और एक्सपेंड, जितना आप एक्सपेंड करना चाहो उसको कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली खुद से करना चाह रहे हो तो आप खुद से भी एंटर करके इसका इक्वल साइज जो है वो कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप जिस तरह से इसको देखना चाहो ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। अगर इनकी आउटलाइन थिकनेस करनी है तो ये आपके पास आउटलाइन पड़ी हुई है, आप कोई भी आउटलाइन जो है वो इसके ऊपर इसकी थिकनेस जो है वो दे सकते हो।
बाद में हम इसके स्टाइल जो है आउटलाइन के वो जब आगे पढ़ेंगे डायलॉग बॉक्स की मदद से, तो हम इनके स्टाइल जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास पॉलीगॉन टूल। नेक्स्ट टूल जो है वो पॉलीगॉन है। जब आप इसको ड्रा करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये ड्रा होता है पेंटागॉन, कि पांच इसके मुख्तलिफ किनारे हैं। आप चाहो तो इसी को यहां से क्लिक करोगे तो आप देखो ये पॉलीगॉन पूरा हो गया, कि इसके सिक्स पॉइंट जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब आपकी मर्जी, आप इसको उसी तरह से अपना जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हो, जिसको आप बी का नट्स कह सकते हो, आप वो सारा इसकी मदद से बना सकते हो। अगर टाइलिंग में काम करना है तो आप लोग इसकी टाइलिंग पे ऊपर भी इसी के ऊपर बैठ के वर्क जो है वो कर सकते हो। ठीक हो गया। लेकिन इसी पॉलीगॉन के अंदर मैं अगर इसी की मैं कॉपी बना लेता हूं, मैं इसका पॉइंट अब मैंने सात कर दिए और ये ऑक्टा हो गया, आठ पॉइंट आ गया। मैंने बगैर कंट्रोल क्यू प्रेस किए हुए शेप टूल को सिलेक्ट कर लिया। अब देखो आप इसी एक ऑब्जेक्ट से कितने ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो, आप देखते जाना। मैं यहां बनाता जाऊंगा और शेप टूल की मदद से ये मेरे ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होते जाएंगे। मैंने फिर शेप टूल लिया, अगर ये ऑब्जेक्ट वैसे मैं आपको बनाने के लिए दे देता तो आपसे ये ऑब्जेक्ट जल्दी जो है वो नहीं बन रहे थे। आपने यही परेशान रहना था कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी आप एक पॉलीगन, अगर मैं अब इसके पॉइंट कम करता हूं, अभी हमारे पास एट थे, आप देखिए काम होते जा रहे, तो वही ऑब्जेक्ट आपका और तरीके से जो है वो रिएक्ट करेगा। तो अब जितने पॉइंट्स कम करोगे उस हिसाब से आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट की लोकेशन या ऑब्जेक्ट आप ड्रा कर सकते हो। था मेरा एक पॉलीगॉन, लेकिन उस पॉलीगॉन से मैंने पेंटा और ऑक्टा से मुख्तलिफ शेप्स जो है वो ड्रा कर ली है। नेक्स्ट मेरे पास है इसी में स्टार। ये देखो ये आपके पास स्टार है। अब आप इसके जितने पॉइंट्स, जितने कॉर्नर्स बढ़ाओगे, ये आप इसके स्टार्स जो है वो बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें से दरमियान में से कट आउट करना है तो मैं यहां से अपना नाइफ टूल लेता हूं। ये देखें, अब इसका आप हाफ अगर रखना चाह रहे हो तो ये इसका हाफ जो है वो आपके पास जो है वो। इसको कोई भी आप कलर दे लो और इसी की आप कॉपी बना लो और इसको भी कोई और कलर दे लो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड है, आप मजीद इसको चेंज करना चाह रहे हो तो आप चेंज कर सकते हो। ये देखो आप इस तरह से भी इसको री एडिट कर सकते हो। तो ये आप पे ही डिपेंड है कि आप अपने स्टार्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास है कॉम्प्लेक्स स्टार। ये देखिए ड्रा कर रहा हूं तो ये कुछ पॉलीगॉन की तरह ही शेप टूल की मदद से रिएक्ट करेगा, लेकिन ये उससे ज्यादा जो है अपने ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकता है। ये देखिए मैंने ये एक लिया, इसकी मैंने अभी कॉपी ली। अब आप देखो ये उस पॉलीगॉन से ज्यादा जो है इसकी रिएक्शन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्टार है जैसे इसका नाम है। अब आप इसके उसी तरह से शेप टूल की मदद से कॉर्नर्स चेंज करते जाओ
ये देखो, तो आपके पास मल्टी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होते जाएंगे। किसी भी पॉइंट से पकड़ के आप इसको कर सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए आपके सामने इसको कर रहा हूं ताकि आप लोगों को वाज़े क्लियर हो। अभी अगर ये कलर में है, मैं इसको यहां से वाई फ्रेम में जाता हूं, व्यू वाई फ्रेम। आप देखो, अब आपको ये इसकी जो डायरेक्शन है वो हर लिहाज से होती हुई नजर आएगी। अब हम वाई फ्रेम के अंदर है, जिस तरह मर्जी चाहो आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, वाई फ्रेम से वापस खत्म करना है, व्यू नॉर्मल व्यू में आ गए। तो ये हमारे पास शेप जो है वो डिफरेंट इससे बन सकती हैं। तो कॉम्प्लेक्स स्टार को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स स्टार के बाद है मेरे पास ग्राफ पेपर। ये ग्राफ पेपर और जो स्पाइरल है आपके पास, ये ज्यादातर हम लोग कहीं पे अगर कोई बैकग्राउंड हम लोगों ने लगानी है तो हम वहां पे इनको इस्तेमाल करते हैं। या आप लोगों ने वो देखा होगा कि मच्छर मार बनी हुई है, ठीक है, कॉइल्स, उनको भी आप इसकी मदद से बना सकते हो। तो उस हिसाब से आप इसकी जो डिजाइनिंग है वो कर सकते हो। ये इसके स्टाइल्स पड़े हैं, आप अगर उसमें अगर आप एज ए बैकग्राउंड यूज करना चाह रहे हो, आप एज ए बैकग्राउंड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये कहीं पे भी आप एज ए बैकग्राउंड जो है इसको टाइटल के तौर पे लगा सकते हो। सेम इसी तरह से ग्राफ पेपर है, ये देखो, ग्राफ पेपर में आपके पास रोज एंड कॉलम है, आप जितनी रोज एंड कॉलम लेना चाहो ले सकते हो। अब देखो, मैंने इस पर कलर दे दिया, मैं चाहता हूं कि नहीं, मैंने अगर बैकग्राउंड बनाना है तो मल्टी कलर्स का बनाना, ठीक है। मैं इसको दोबारा से ग्राफ पेपर लेता हूं और यहां से मैं 4x5x5 या 4x4 की इक्वल, ये देखिए कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, तो इक्वल ब्लॉक्स मेरे पास बन गए। ठीक है, अब जब इक्वल ब्लॉक्स बने हैं तो मैं क्या करता हूं, अभी देखिए एक ही कलर आ रहा है, लेकिन मैं अगर इसको अनग्रुप करता हूं, ये देखिए अनग्रुप ऑब्जेक्ट, तो अब आप अपनी मर्जी से इसको कलर जो है वो असाइन कर सकते हो। ये देखो, तो अब आप अपनी मर्जी से कलर असाइन करके दोबारा इसको क्या करो, उसी तरह से सेलेक्ट करो और कंट्रोल जी जो है वो अप्लाई कर दो। ग्राफ पेपर के बाद हमारे पास है बेसिक शेप्स। ये वो बेसिक शेप्स है जो आज तक, यानी कि आप लोगों ने समझो कि प्रेप क्लास से अगर आप शुरू हुए हैं और मास्टर क्लास तक चले गए हैं तो ये बेसिक शेप्स जो है ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। बेसिक शेप्स है, एरो शेप्स है, फ्लो चार्ट है, बैनर्स है, कॉल आउट्स है, आप इनको क्लिक करते जाओ और यहां से अपनी मर्जी की जो शेप रिक्वायर्ड है आपको, इस वजह हैप्पी फेस है, इस वजह सैड फेस हो गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हैप्पी कर देता हूं, ये देखो, तो आप अपनी मर्जी से ये हैप्पी है, प्लस हैप्पी होने के साथ साथ इसका जो फेस है वो कुछ थिंकिंग माइंड में है, तो मैं यहां से कॉल आउट जो है वो लगा देता हूं। ये देखो, ये कॉल आउट अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे, ये देखिए, अब ये कुछ सोच रहा है, ठीक है, हैप्पी है लेकिन कुछ सोच रहा है। और अगर इसी को मैं इसकी कॉपी कर लूं और यहां पे मैं मिरर कर लूं तो ये थोड़ा सा सैड है लेकिन कुछ सोच रहा है, सैड हो गया तो उसका चेहरा जो है वो जर्द हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी बेसिक शेप्स को इस्तेमाल करना है। और आज मैं असाइनमेंट कोई नहीं दे रहा, आप लोगों ने जस्ट इन शेप्स को इस्तेमाल करना है और देखना है कि कौन कौन सी शेप्स आपके पास पड़ी हैं।